नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में अब तक दबी आवाज के अंदर घमासान मचा हुआ था, लेकिन राज्यसभा चुनावी दंगल के दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दरार इतनी बढ़ गई कि अब इन दोनों नेताओं का आपसी घमासान सड़कों पर उतर आया है। सचिन पायलट ने आज एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद कांग्रेस सहित कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है और साथ ही अशोक गहलोत को भी करारा जवाब आप सचिन पायलट दे चुके हैं। दरअसल राज्यसभा चुनावी दंगल से ठीक पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ युवा नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर आते हैं और आते ही उनको सीएम गद्दी चाहिए या फिर पीसीसी चीफ का पद चाहिए, इस तरह की मांग वो करते हैं, उनकी रगड़ाई नहीं हुई होती है। ऐसे में यदि उनकी 10-15 साल तक रगड़ाई हो जाए तो उनके समझ में आ जाए कि पीसीसी चीफ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है, चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने के लिए कितनी मेहनत लगती है। इस तरह का तंज एक तरह से अशोक गहलोत ने युवा नेताओं का नाम लेकर के कहा, और हालांकि सचिन पायलट का नाम इसमें नहीं लिया गया पर टारगेट यहां सचिन पायलट को ही किया गया था। सचिन पायलट राज्यसभा चुनावी दंगल को ध्यान में रखते हुए उस टाइम अपनी जवान पर चुप्पी छाए रखी, लेकिन आज सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को करारा जवाब देते हुए कहा कि कब किस संगठन के अंदर किस पद पर किसको रखना है ये अशोक गहलोत के हाथ में नहीं है। अशोक गहलोत क्यों फड़फड़ा रहे हैं, पीसीसी चीफ पद पर किसको कहां रखना है ये भी सोनिया गांधी के हाथ में है, तो अशोक गहलोत क्यों फड़फड़ा रहे हैं। इस तरह की बात सचिन पायलट की तरफ से कह करके एक तरह से अशोक गहलोत को करारा जवाब दिया गया, और साथ ही CWC मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी को सचिन पायलट ने एक बड़ा संदेश पहुंचाया, और उस संदेश को सुनने के बाद बताया जा रहा है कि CWC मीटिंग में पीसीसी चीफ बदलने को लेकर के फैसला तो ले लिया गया था पर उसको अभी प्राइवेट रखा गया, पब्लिक नहीं किया गया है। या जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके अशोक गहलोत ये पद अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही नेता गांधी परिवार के काफी नजदीक हैं। अशोक गहलोत पुराने खिलाड़ी हैं कांग्रेस में और सोनिया गांधी के नजदीक हैं, राहुल गांधी के नजदीक सचिन पायलट हैं। ऐसे में आज बड़ा संदेश सचिन पायलट ने दे दिया है और स्पष्ट कहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए मेहनत की, अपने खून पसीने की जो मेहनत थी उसी का परिणाम निकला कि 2018 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में बैठी। अब उन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना जरूरी है, उनको पद देने जरूरी है। ऐसे में यदि उनको पद नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस का दी एंड होना निश्चित है। इस तरह की बात सचिन पायलट की तरफ से कही गई और साथ ही सचिन पायलट ने सोनिया गांधी के साथ एक फोटो भी शेयर की है, और इस फोटो के अंदर सचिन पायलट एक गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और वहां पर जो लोग खड़े हैं नीचे उनके साथ वो हाथ भी मिला रहे हैं। यानी कि सचिन पायलट की तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है सोनिया गांधी को कि वो राजस्थान कांग्रेस में ड्राइवर की सीट पर ही बैठे रहना चाहते हैं, यानी कि पीसीसी चीफ वो उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। यदि उनको ड्राइवर सीट से हटाया जाता है तो निश्चित है कि सचिन पायलट के बागी तेवर भी आज देखने को मिल गए हैं। इस तरह का बड़ा संदेश सोनिया गांधी को CWC मीटिंग के दौरान भेजा गया और बताया जा रहा है कि उसी का परिणाम निकला कि सोनिया गांधी ने CWC मीटिंग के दौरान पीसीसी चीफ बदलने को लेकर के जो फैसला लिया था उसको प्राइवेट ही रखा है, सिर्फ CWC बैठक के अंदर जो मेंबर्स थे उन्हीं तक इस फैसले की जानकारी है, उसे पब्लिक नहीं किया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि सोनिया गांधी सचिन पायलट के बागी तेवर को ध्यान में रख करके अपने फैसले को बदल भी सकती है। सोनिया गांधी ने अपना पीसीसी चीफ को लेकर के फैसला ले लिया है और वो फैसला यही है कि नीरज डांगी और KC वेणुगोपाल को राज्यसभा भेजने के बदले जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो अशोक गहलोत को देना चाहती थी सोनिया गांधी, या तो अशोक गहलोत खुद उस पद को ले ले या फिर निश्चित है कि वो अपने किसी नजदीकी नेता को दे दे और सचिन पायलट को पीसीसी चीफ पद से हटा दिया जाए। और अशोक गहलोत खुद पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं क्योंकि वो सत्ता और संगठन दोनों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट को
राजस्थान कांग्रेस की जो राजनीति है उसे दरकिनार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के जो सपने हैं उन पर, मंसूबे हैं, उन पर पानी भी फेर सकते हैं। और यही कारण रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से पीसीसी चीफ को लेकर के जो फैसला लिया गया है उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। और अब स्पष्ट हो चुका है कि सचिन पायलट को यदि राजस्थान कांग्रेस की ड्राइवर सीट से हटाया जाता है, यानी कि पीसीसी चीफ से हटाया जाता है, तो निश्चित है वो कोई बड़ा फैसला लेंगे और जो निश्चित है कि बगावत वाला फैसला होगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी अशोक गहलोत ने कुछ तर्कों के आधार पर सचिन पायलट को बदनाम करने, सचिन पायलट की छवि खराब करने का काम भी किया था। कुछ सबूत ऑडियो वीडियो के तौर पर सोनिया गांधी को भेजे गए थे जिसमें सचिन पायलट के बागी होने के तेवर हैं वो स्पष्ट देखे गए हैं। ऐसे में सचिन पायलट और सचिन पायलट खेमे के विधायकों की छवि खराब करने का काम अशोक गहलोत की तरफ से किया गया था। और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत से जल्द ही इसका बदला लेंगे और ये बदला स्पष्ट तौर पर बगावत का होगा। फिलहाल समय सही नहीं होगा सचिन पायलट के लिए अभी कांग्रेस छोड़ने को लेकर के, लेकिन पीसीसी चीफ पद से उनको हटाया जाता है तो इस तरह का फैसला भी ले सकते हैं। और सचिन पायलट खेमे के जो विधायक थे उनको भी 25 से 35 करोड़ रुपए में बीजेपी के हाथों बिकने का आरोप अशोक गहलोत लगा चुके हैं। हालांकि किसी तरह के कोई तथ्य नहीं है, ये आरोप बिल्कुल निराधार थे। खुद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो दरार पड़ी हुई या मनमुटाव है उसकी वजह से वो विधायक बीजेपी में जाना चाहते थे, पर अशोक गहलोत ने उस बात को किसी और तरीके से जो पेश किया और खुद 23 विधायकों को जो निर्दलीय हैं, सीपीएम हैं, एसपी के हैं, बीएसपी के हैं, अन्य छोटी पार्टियों के हैं, उनके 23 विधायकों को एक एक प्लाट अशोक गहलोत ने दिया और साथ ही करोड़ों रुपए में उनको खरीद करके राज्यसभा के लिए अपनी तरफ मोड़ लिया। और ये काम भी इसीलिए किया गया था कि सचिन पायलट यदि अपने 25-30 विधायकों को लेकर के पार्टी से बगावत करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, तो ये जो 25-30 विधायक बाकी बचते हैं जो निर्दलीय हैं या अन्य हैं, उन वो निश्चित है कि अशोक गहलोत को समर्थन करेंगे। इसलिए उनको रिको के अंदर, रिको माइंस के अंदर एक एक प्लाट बांटा गया है, साथ ही करोड़ों रुपए भी उनको दिए गए हैं। पर अशोक गहलोत भूल गए कि जो 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा कर रहे हैं उन विधायकों को ना ही तो आपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, ना ही उनको प्लाट बांटे हैं, ना ही उनको मोटा पैसा अशोक गहलोत और पार्टी ने दिया है। ऐसे में उन्होंने भी अपनी नाराजगी अशोक गहलोत के सामने जाहिर की थी और अब वो नाराजगी खुलकर सामने आ भी सकती है। और अब पीसीसी पद बदलने के बाद सचिन पायलट भी अशोक गहलोत और कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकते हैं। सचिन पायलट ने स्पष्ट तौर पर राजस्थान कांग्रेस में ड्राइवर की गद्दी नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसका बड़ा फैसला अब सोनिया गांधी को लेना है। और वैसे भी पीसीसी चीफ को लेकर के और जो कांग्रेस के जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को पद सौंपने को लेकर के सचिन पायलट स्पष्ट कह चुके हैं कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी लेती है। ऐसे में अशोक गहलोत को इस तरह की बकवासबाजी नहीं करनी चाहिए। अब कहा जा सकता है कि जो सत्ता और संगठन दोनों अशोक गहलोत अपने हाथ में लेकर के सचिन पायलट और उनके जो खेमे के विधायक हैं उनको राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से दरकिनार करने का काम अशोक गहलोत शुरू कर चुके हैं, पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी किस तरह का फैसला लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस के अंदर फूट देखी गई है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वैसे तो कांग्रेस ने हमेशा आपकी योजनाओं की, यानी कि मोदी सरकार की योजनाओं की आलोचना की है और कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया है, पर आज कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ का खजाना बिल्कुल खाली है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को काम दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं वहां भी उनको लागू किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ के मजदूरों को भी इसका फायदा मिले। कुल मिलाकर के आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो मोदी सरकार के सामने झुक करके ये बात मान चुके हैं कि मोदी सरकार की योजनाएं लाभदायक हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति के चलते जनता को, वहां की जनता को, जिससे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश था पहले कमलनाथ सरकार के समय, छत्तीसगढ़ था, इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं, पंजाब हैं, वहां पर जो बीजेपी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है उनको लागू नहीं होने दिया
जाता है। ऐसे में जनता उस योजना से वंचित रहती है। आयुष्मान भारत योजना भी उनमें से एक है। और अब कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में भी 500 से ज्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, संगठन के पदाधिकारी भी थे, नेता भी थे, पार्टी के नेता भी थे। ऐसे में कई तरह के जो 500 नेता हैं कांग्रेस के, आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। पूर्व पर्यावरण मंत्री के कहने पर इस तरह के 500 कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ और दिग्विजय को एक तगड़ा झटका फूल सिंह बरैया भी देने जा रहे हैं, क्योंकि फूल सिंह बरैया ने और उनके समर्थक विधायकों ने एक नया गुट मध्य प्रदेश में बना लिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर 2-3 गुट हैं वो बन चुके हैं। पहला दिग्विजय सिंह का, दूसरा कमलनाथ का और तीसरा फूल सिंह बरैया का। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि दलित वर्ग के वोटर सब फूल सिंह बरैया पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, उन पर दबाव भी बना रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और फूल सिंह बरैया पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से हार उनके गले में जानबूझकर डाली है, उनके हाथ में जो संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी फूल सिंह बरैया को राज्यसभा का चुनाव लड़वाया, जो बिल्कुल गलत था। और इस तरह के आरोप लगाते हुए जो दलित वोटर्स ने अब दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के अंदर कांग्रेस टूटकर बिखर चुकी है। गुजरात के अंदर 8 विधायकों ने पहले इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के नाम पर अब कई तरह के क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। जिस तरह से पहले खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट खुद की भी क्षत्रिय पार्टी बना सकते हैं, सचिन पायलट बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, या सचिन पायलट अन्य कोई जो फैसला लेंगे, या फिर वाकई ही सोनिया गांधी की गुलामी सचिन पायलट सहते रहेंगे, इस बात को लेकर के अब आने वाले समय के अंदर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी अशोक गहलोत से जो राजस्थान कांग्रेस के जो विधायक हैं वो नाराज हैं। निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया है, बीएसपी को भी दिया गया है, अन्य जो लोग हैं एमएलए हैं उनको भी मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया है और सिर्फ 7 मंत्री ही अशोक गहलोत और बना पाएंगे। इसको लेकर के अशोक गहलोत किस तरह से इन विधायकों को संतुष्ट कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का घमासान अब घरों से बाहर निकल चुका है। चार दीवारी से बाहर आकर के जो इस तरह से सचिन पायलट, अशोक गहलोत सहित सोनिया गांधी को करारा जवाब दे रहे हैं, तो उसे स्पष्ट है कि बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाएगी। बीजेपी इस आपसी दरार का पूरा फायदा उठा करके राजस्थान में जो बीजेपी खुद की सरकार भी बना सकती है, क्योंकि जिस पार्टी का पलड़ा वक्त पर भारी होगा, अन्य जो बदल हैं या फिर निर्दलीय हैं वो उन्हीं के साथ जाएंगे। और 30 से 36 विधायक बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ हैं कांग्रेस के अंदर, वो यदि कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित है कि बीजेपी का पलड़ा भारी होगा और ऐसे में निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों के विधायक हैं वो बीजेपी के साथ आना पसंद करेंगे। बीजेपी भी सचिन पायलट को ही राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने के बारे में पहले ही ऐलान कर चुकी है। और यदि सचिन पायलट खुद अपनी क्षत्रिय पार्टी बनाते हैं तो भी बीजेपी ऊपर से समर्थन करने की बात भी कह चुकी है। अब राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल है वो देखा गया है। सचिन पायलट की तरफ से आज करारे जवाब कांग्रेस को मिल चुके हैं। अशोक गहलोत की भी बोलती बंदा सचिन पायलट कर चुके हैं। युवा नेताओं को लेकर के कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से जो कमिटमेंट किए गए थे उसका करारा जवाब अब सचिन पायलट दे चुके हैं। फिलहाल सचिन पायलट को लेकर के सोनिया गांधी किस तरह का फैसला ले सकती है, CWC बैठक के अंदर कौन सा फैसला लिया गया होगा, इस बात पर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।